किए थे लास्ट टाइम, चौसा की लड़ाई, बताना है। बता तो दिए थे, चौसा की लड़ाई आपको बताए थे लास्ट, लिखाना है, लिखाना है ना, पढ़ा तो दिए थे सारा, चौसा भी बताए थे। चौसा भी बताए थे, कनौज की लड़ाई भी बताए थे, हुमायूं का डेथ भी बताए थे, सारा बताए थे। हाँ लिखाएंगे, विधिवत लिखाएंगे उसको, और उसमें हाँ डेथ तक बताए थे पूरा, किस तरह से हुमायूं पंजाब गया, वहां से सिंध गया, सिंध से वह फिर जोधपुर गया था, मालदेव ने बुलाया, लेकिन मालदेव ने शेरशाह के दबाव की वजह से हुमायूं की मदद नहीं किया, पत्नी के साथ जोधपुर से लौटा, राजस्थान के अमरकोट में वीरशाल के महल में रुका, जहां 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम से हुआ। उस समय हुमायूं के पास कुछ भी नहीं था, एक मस्क थी, मस्क जानते हैं, कस्तूरी, मस्क बोलते हैं, MUSK, है मस्क बोल लीजिए, मस्ट से मस्क बनता है, एक मस्क था, और उसी को तोड़कर अपने दोस्तों में इस खुशी को शेयर किया और कहा कि जिस तरह इस कस्तूरी की सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही है, उसी प्रकार एक दिन उसके पुत्र अकबर की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। देन उसके बाद वहां से वह सिंध आया, सिंह, सिंध का किंग भी बताया था उस समय, हुसैन शाह अरगो, हुसैन शाह अरगो हुमायूं से छुटकारा चाहता था, कितनी जल्द यह सिंध छोड़ के चला जाए, ऐसा सिंध के शासक का सोचना था। उसके लिए रसद इकट्ठा कराया, उसके लिए कुछ सैनिक मदद किया, और फिर उसको सिंध से कंधार जाने में मदद किया था, यानी कुल मिला के अंत में वह कंधार पहुंच गया। कंधार में उसका छोटा भाई हिंदाल भी था, कामरान अस्करी ये काबुल कंधार में थे, अस्करी को कंधार का सूबेदार बनाया था और कहा था कि अगर हुमायूं आए तो उसको सख्ती से पेश आओ, पकड़ लेना, उसको मौत की घाट उतार देना। बड़ी मुश्किल से वहां वह कुछ समय रहा, अपना पुत्र अकबर, 1 साल का बेटा, 1.5 साल का, उसे कंधार में छोड़ दिया, और उसके बाद 1544 में वह ईरान के शाह तहमाश्प के यहाँ चला गया। उस समय ईरान का किंग शाह तहमाश्प था। शाह तहमाश्प ने उसको कहा कि तुम ईसाई शिया धर्म स्वीकार कर लो। हुमायूं अपने आप को शिया में कन्वर्ट कर लिया, शिया में परिवर्तित करने के बाद कहा कि ठीक है, तुम मेरी सेना ले जाओ, सेना की मदद से काबुल कंधार जीत लो, इंडिया भी जीत लेना, काबुल कंधार जीतने के बाद कंधार ईरान को दे देना, ये दो शर्तें मानकर वहां से आया सेना लेकर। किसकी सेना लेकर? ईरान के शाह तहमास्प की सेना लेके लौटा, और फिर कामरान और अस्करी को हराया। अब जानते हैं अकबर और हमीदा बानो बेगम को अस्करी ने तोपों के सामने, कामरान के कहने पे अस्करी ने तोपों के सामने इनको रखवा दिया था कि अकबर बच न पाए, हमीदा बानो बेगम बच न पाए। इत्तफाक से बैरम खान अकबर और हमीदा बानो बेगम को पहचान लिया, तोप का मुख दूसरी तरफ करवा दिया, यानी अकबर हमीदा बानो बेगम उसी समय बच गए और फिर हुमायूं के साथ रहने लगे। उसके बाद वे हुमायूं का साथ कभी नहीं छोड़े। इसके बाद जानते हैं 1545 में हुमायूं ने ईरान की सेना की मदद से कंधार, काबुल जीत लिया,
एक बार नहीं दो दो बार जीता, और फिर अपने ब्रदर कामरान और अस्करी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताए थे यह भी कि गिरफ्तार करने के बाद, कैद करने के बाद हुमायूं ने कामरान को अंधा बना दिया और फिर उसको हज यात्रा मक्का भेज दिया, जहां 1557 में कामरान का देहांत हो गया था। 1558 में आप जानते हैं अस्करी का भी देहांत हो गया था, ये भी बताए थे। 1551 में हिंदाल, जानते हैं हिंदाल, वह हुमायूं के लिए लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया था। यानी 1554 ईस्वी तक हुमायूं भाइयों से छुटकारा पा गया था, मरे तो बाद में, अंधा तो बाद में बनाया, छुटकारा 1554 पा गया। कंधार ईरान को दे दिया, ईरान के शासक शाह तहमाश का पुत्र मर गया, उसके बाद पुनः हुमायूं के कब्जे में आ गया कंधार। लेकिन कंधार ज्यादा दिन इसके पास नहीं रहा। अब हुमायूं 1554 में कंधार से इंडिया की तरफ कूच किया, इंडिया की तरफ आगे बढ़ा। तो उस समय दिल्ली में जानते कौन था? सिकंदर शाह सूर था। उस समय दिल्ली में सिकंदर शाह सूर था। सिकंदर शाह सूर लाहौर पर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। उसने इस्लाम शाह की डेथ के बाद इब्राहिम को हराकर, आदिल शाह को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो दिल्ली में इस समय सिकंदर शाह सूर था, वो नहीं आया। उसने अपनी एक सेना भेजा तातर खान और हैबत खान के नेतृत्व में। तातर खान, हैबत खान सेना लेके पंजाब की तरफ आए। 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा की लड़ाई लड़ी गई। 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा पंजाब में है, की लड़ाई में सिकंदर शाह सूर की सेना, जो कि तातर खान, हैबत खान के अंडर में थी, बुरी तरह से हार गई। उसके बाद जानते हैं फिर इसके पश्चात एक और लड़ाई लड़ी गई, एक महीने के अंदर एक और लड़ाई जो लड़ी गई, उसमें भी उसको कहते हैं ये सरहिंद की लड़ाई, 1555 में। सरहिंद की लड़ाई में भी पुनः सिकंदर शाह आया, वो भी हार गया। सरहिंद पंजाब में, मच्छीवाड़ा पंजाब में, सरहिंद पंजाब में, इन दो दो लड़ाइयों में बैक टू बैक हुमायूं सिकंदर शाह सूर को हराया। सिकंदर शाह सूर नमक की पहाड़ियों में भाग गया। नमक की पहाड़ियां कहां? पंजाब में थी। और इधर हुमायूं वापस दिल्ली आ गया। सिकंदर शाह नमक की पहाड़ियों से उतर करके कूटमार करने लगा। हुमायूं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद लगभग 6 महीने शासन किया। एक दिन शाम के समय शेरमंडल पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने जा रहा था, शाम का समय था, नमाज पढ़ने की आजान कान में आई। सोचा बगल में मस्जिद है, चले नमाज अदा कर दें। जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगा, पैर स्लिप कर गया, लुढ़कता हुआ नीचे चलाया, नीचे से मर गया, उसका देहांत हो गया। तो 3 दिन कोमा में रहा, माने सीढ़ियों से गिरने के बाद उसके सिर में बड़ी तगड़ी चोट आ गई। 3 दिन तक कोमा टाइप का रहा, कोमा हॉस्पिटल नहीं था, घर पे ही रहा। 3 दिन बाद यानी 27 जनवरी 1556 को मर गया, जिस समय हुमायूं का देहांत हुआ। उस समय अकबर और बैरम खान पंजाब में थे, कि दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हुमायूं ने अकबर को बैरम खान के नेतृत्व में सिकंदर शाह के आतंक को दबाने के लिए पंजाब भेज रखा था। तो उस समय अकबर, बैरम खान पंजाब में सिकंदर शाह के आतंक को दबाने गए थे, और इधर हुमायूं का देहांत हो गया। बड़ी विषम परिस्थिति थी। हुमायूं के डेथ का समाचार सुनते ही सिकंदर शाह मर गया था, बाद में बैरम खान के द्वारा मार दिया गया था। लेकिन जो आदिल शाह, जिसको सिकंदर शाह ने भगा दिया था दिल्ली से, वह चुनार से लेकर जौनपुर क्षेत्र पर शासन कर रहा था, बिहार पर शासन कर रहा था। कहने का मतलब, आदिल शाह का सेनापति था हेमू, हेमराज भी कहते हैं, हेमचंद्र भी कहते हैं। हेमू रेवाड़ी का एक बनिया था, रेवाड़ी के बाजार में नमक और तेल बेचता था। किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि एक दिन वह आदिल शाह की सेना में सिपाही के पद पर ज्वाइन कर गया, और उसके बाद वह तरक्की कर गया, आदिल शाह का सेनापति बन गया, हुमायूं के डेथ का फायदा उठाया, और 1556 जनवरी में दिल्ली आगरा पर नियंत्रण कर लिया।
अपने मालिक आदिल शाह के खिलाफ धोखा दिया उसको। तो हेमू 1556 में कुछ महीने तक दिल्ली आगरा पर शासन किया, और उसने, हेमू ने जानते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। इंडियन हिस्ट्री में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। विक्रमादित्य का मीनिंग जानते हैं ना, जो सूर्य के समान बड़ा बहादुर हो, चमत्कृत हो। विक्रम माने बहादुर, चमत्कृत, आदित्य माने सूर्य, हिंदू किंग धारण करते थे। तो हुमायूं के डेथ का फायदा हेमू ने उठाया, और हुमायूं के डेथ के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि लेकर लगभग कुछ महीने तक शासन किया था। तो अब आप समझ जाइए कि हेमू दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू राजा था, और ये ब्राह्मण नहीं था, गैर ब्राह्मण हिंदू शासक बनिया था, ये वैश्य भी कह सकते हैं, कहीं कहीं ब्राह्मण भी दिया होता है लेकिन नहीं माना जाता है, वैश्य था, बनिया था। तो इस प्रकार 1556 में हेमू दिल्ली पर शासन करने लगा, लेकिन आप जानते हैं हुमायूं की डेड बॉडी को पंजाब पहुंचा दिया था। हुमायूं की डेथ को कुछ दिन तक छिपाया गया। दरबार में एक दरबारी था, उसका नाम था मुल्ला बेकसी। मुल्ला बेकसी की शक्ल हुमायूं से डिक्टो मिलती जुलती थी। दरबारियों ने प्लानिंग किया कि देखो, मुल्ला बेकसी को शाही पोशाक पहनाकर विंडो के समक्ष झरोखे पर बैठाया जाए, क्योंकि जनता में ये बात फैल चुकी है कि हुमायूं का देहांत हो चुका है। हुमायूं के देहांत को छिपाने के लिए मुल्ला बेकसी को विंडो में, महल के टॉप फ्लोर पर विंडो के समक्ष सिंहासन पर बैठा दिया जाता था शाही पोशाक में। जनता हुमायूं को देखने आती थी, लेकिन हुमायूं तो था नहीं, मुल्ला बेकसी था। मुल्ला बेकसी की शक्ल हुमायूं से मिलती जुलती थी, इसलिए हुमायूं के डेथ को इस तरह कुछ दिन तक छिपाया गया। लेकिन जब आदिल शाह ने कब्जा कर लिया दिल्ली आगरा पर, तब लोगों का शक सच्चाई में बदल गया, और तब तक हुमायूं की डेड बॉडी हेमू के कब्जे में चली जाए, इसलिए उसकी डेड बॉडी को पंजाब भिजवा दिया। हुमायूं के डेथ के बाद बैरम खान ने पंजाब के काला नूर नामक स्थान पर एक प्लेटफॉर्म बनवाया। उस प्लेटफॉर्म पर उसको, अकबर को बैठा करके वहीं पर उसका राजतिलक कर दिया। तो अकबर का राजतिलक कहाँ हुआ? पंजाब में काला नूर नामक स्थान पर। लेकिन हुमायूं के डेथ के बाद मुल्ला बेकसी को झरोखे दर्शन पर बैठाया गया। तो इस तरह से हुमायूं का शासनकाल कुल मिला के असफलताओं का शासनकाल था। हुमायूं सफल नहीं रहा। योग्य था, गणितज्ञ था, चिकित्सक था, ज्योतिष विद्या भी विश्वास करता था, भूगोल के बारे में नॉलेज था, लेकिन योग्य शासक नहीं था। ठीक है, तो ये सब आपको बताए हुए हैं, लिखाना था। कुछ डाउट है पूछें? हाँ बताएं। नहीं, वो तो जहांगीर था, ये चित्र वाला नहीं है, ये विचित्र था। तो चलिए, चौसा की लड़ाई अब आपको लिखना है ना। चौसा की लड़ाई, और यह लड़ाई 27 जून 1539 में लड़ा गया था। चौसा की लड़ाई 15 जून 1539, ये आपको हेडिंग डालना है। लिखें, लगभग 8 महीने के बाद, लगभग 8 महीने के पश्चात, लगभग 8 महीने के बाद हुमायूं बंगाल से, वापिस लौट रहा था, वापिस लौट रहा था।
उसने बंगाल का सूबेदार अली बेग को नियुक्त किया। बंगाल का सूबेदार अली बेग को नियुक्त किया। बंगाल का सूबेदार अली बेग को नियुक्त किया तथा गंगा नदी के दक्षिणी किनारे, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से वह उत्तरी किनारे पर चला गया। उत्तरी किनारे पर चला गया और गंगा एवं कर्मनासा गंगा एवं कर्मनासा नदी के मध्य में स्थित चौसा नामक गंगा और कर्मनासा के मध्य में स्थित चौसा नामक स्थान पर या चौसा नामक युद्धस्थल पर पहुंचा। चौसा नामक युद्धस्थल पर पहुंचा। यहीं पर 3 महीने घेरे के बाद, 3 महीने के घेरे के बाद शेर खान ने हुमायूं की सेना पर जोरदार आक्रमण किया। हुमायूं की सेना पर जोरदार आक्रमण किया और हुमायूं की सेना तितर बितर हो गई। हुमायूं की सेना तितर बितर हो गई। अकेला हुमायूं डर के मारा, अकेला हुमायूं डर के मारा जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद पड़ा। गंगा नदी में कूद पड़ा और डूबने लगा। गंगा नदी में कूद पड़ा और डूबने लगा। फुल स्टॉप। डूबते हुमायूं को भिस्ती ब्रैकेट में लिख लें मोहम्मद निजाम, मोहम्मद निजाम। डूबते हुमायूं को भिस्ती ने गंगा नदी से बचाया। डूबते हुमायूं को भिस्ती मोहम्मद निजाम, ब्रैकेट में लिख लें। डूबते हुमायूं को भिस्ती ने गंगा नदी से बचाया और वह माने हुमायूं, और वह आगरा की ओर, वह आगरा की ओर चल पड़ा। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। इस जीत के पश्चात शेर खान ने इस जीत के पश्चात शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण किया।
शेर खान ने शेर शाह की उपाधि को धारण किया? तथा सेना के साथ कन्नौज की ओर चल पड़ा? अब चेंज करके लिखी, आगरा पहुंचते ही हुमायूं के भाई कामरान कामरान और अस्करी हुमायूं का साथ छोड़कर पंजाब की तरफ चल दिए। हुमायूं का साथ छोड़कर पंजाब की ओर चल दिए। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कन्नौज की लड़ाई अथवा बेलग्राम की लड़ाई। सत्रह मई 1540 को लिखें। आगरे से अपनी सेना को लेकर हुमायूं आगरे से अपनी सेना को लेकर हुमायूं शेरशाह से लड़ने के लिए कन्नौज अथवा बेलग्राम नामक युद्धस्थल कन्नौज अथवा बिलग्राम नामक युद्धस्थल पहुंचा। लगभग डेढ़ महीने दोनों सेनाएं लगभग डेढ़ महीने दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी रहीं। डेढ़ महीने दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं। अकस्मात 15 मई के दिन अकस्मात 15 मई के दिन मूसलाधार बारिश हुई। जब हुमायूं अपने खेमे को ऊंचाई वाले स्थान पर ले जा रहा था, उसी समय
शेरशाह ने उसी समय शेरशाह ने जोरदार तरीके से आक्रमण किया। जोरदार तरीके से आक्रमण किया। हुमायूं हार कर आगरा चला आया। दिल्ली होता हुआ पंजाब तथा अंत में सिंध पहुंचा। दिल्ली होता हुआ पंजाब और अंत में सिंध पहुंचा। शेरशाह ने स्टॉप करके शेरशाह ने दिल्ली आगरा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और सूरी वंश की स्थापना किया। ब्रैकेट में 1540 से 1555 लिख लें। सूरी वंश की स्थापना किया 1540 से 1555 सूरी वंश की स्थापना किया। तथा हुमायूं का पीछा करने के लिए सूरी वंश की स्थापना किया तथा हुमायूं का पीछा करने के लिए तथा हुमायूं का पीछा करने के लिए हुमायूं का पीछा करने के लिए एक सेना भेजा। स्टॉप करके हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जिसने लगभग 15 वर्षों तक निष्कासन का जीवन बिताया। लगभग 15 वर्षों तक निष्कासन का जीवन बिताया। सिंध में वह अपने छोटे भाई हिंदाल और उसके गुरु मीर अली अकबर जामी मीर अली अकबर जामी के पास रुका। मीर अली अकबर जामी के पास रुका और 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से हुमायूं ने विवाह किया। हमीदा बानू बेगम से विवाह किया।
इस घटना से रुष्ट होकर या इस विवाह से रुष्ट होकर इस विवाह से रुष्ट होकर नाराज होकर दोनों दोनों कौन ये दोनों हिंदाल और मीर अली अकबर जामी दोनों कंधार चले गए। हाँ ये भी चले गए, पहले गए ये, हुमायूं बाद में गया, मतलब ये हुमायूं का साथ सिंध में छोड़ दिए दोनों। उसके बाद ये दोनों कंधार चले गए, लिख लिया। ये दोनों इस घटना से रुष्ट होकर वे दोनों कंधार चले गए। हुमायूं जोधपुर के शासक मालदेव जोधपुर के शासक मालदेव से मदद प्राप्त करने के लिए जोधपुर गया, मदद प्राप्त करने के लिए जोधपुर गया, लेकिन शेर शाह के दबाव के कारण मालदेव ने हुमायूं की कोई मदद नहीं की। मालदेव ने हुमायूं की कोई मदद नहीं की। मालदेव की कोई मदद नहीं की। अंत में हुमायूं अपनी पत्नी हमीदा बानु बेगम के साथ वापिस लौटा और कुछ दिन तक अमरकोट के राजा वीर साल के महल में बिताया। हाँ वीर साल के महल में बिताया। वैसे अमरकूट कहाँ है? ये राजस्थान में। अमरकूट के राजा वीर साल के महल में बिताया। यहीं पर 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम से हुआ। अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम से हुआ। हुमायूं के पास एक कस्तूरी थी। हुमायूं के पास एक कस्तूरी थी जिसे तोड़कर अपने दोस्तों में इस खुशी को बांटा। और यह कहा कि
जिस प्रकार यह कहा, जिस प्रकार यह कस्तूरी चारों दिशाओं में, यह कस्तूरी चारों दिशाओं में, कस्तूरी एक होता है जो केसर टाइप का होता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी मृग के नाभ में होती है, इतनी महकती है, वह मृग जो होता है हिरण जंगलों में भटकता उस कस्तूरी की सुगंध के को लेकर। बड़ी कॉस्टली चीज होती है कस्तूरी। जिस प्रकार यह कस्तूरी अपनी सुगंध चारों दिशाओं में फैला रही है, उसी प्रकार चारों दिशाओं में फैला रही है, उसी प्रकार एक दिन, उसी प्रकार एक दिन अकबर की कीर्ति, उसी प्रकार एक दिन अकबर की कीर्ति, लिखना हुमायूं की नहीं, अकबर की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। अकबर की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, समझ रहे ना पॉइंट को? कीर्ति माने यश, फेमस माने पॉपुलरिटी, यश यश चोपड़ा, यश कीर्ति माने सम्मान, है ना, चारों दिशाओं में फैलेगी। फुल स्टॉप करके लिखें, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। हुमायूं अमरकोट से सिंध पहुंचा, हुमायूं अमरकोट से सिंध पहुंचा, यहां के राजा कहां के राजा, हाँ सिंध के राजा शाह हुसैन अरगो, शाह हुसैन अरगो, सिंध के राजा शाह हुसैन अरगो ने हुमायूं की मदद किया। शाह हुसैन अरगो ने हुमायूं की मदद किया, उसे सेना तथा रसद देकर, सेना तथा रसद देकर कंधार रवाना किया। सेना तथा रसद देकर कंधार रवाना किया। पुलिस स्टाफ, हिंदाल हिंदाल एवं यादगार मिर्जा, एवं यादगार मिर्जा, यादगार मिर्जा पहले ही कंधार पहुंच चुके थे, पहले ही कंधार पहुंच चुके थे। ये हुमायूं का बड़ा करीबी था, ये हुमायूं का बेहद करीबी यादगार मिर्जा, इसने भी साथ छोड़ दिया था, आगरा से यह भी भाग आया था। बाकी हिंदाल के गुरु का नाम था ये जो आपने लिखा है, मीर अली अकबर जामी। तो ये यादगार मिर्जा पहले ही कंधार पहुंच चुके थे। फुल स्टाफ, कामरान ने अस्करी को कंधार का सूबेदार बनाया था, अस्करी को कंधार का सूबेदार नियुक्त किया था या बनाया था, और सूबेदार बनाया था और उसे सख्त आदेश था, और उसे सख्त आदेश था, सख्त आदेश था कि हुमायूं को
कंधार में हुमायूं को कंधार में रुकने न दें। आने न दे, लिख लो, पहुंच तो गया ही था। आने न दे लिख लो, ठीक कह रहे हैं आप, आने न दे। हाँ, फुल स्टॉप करें। बड़ी मुश्किल से हुमायूं कंधार में 1544 में, बड़ी मुश्किल से हुमायूं कंधार में 1544 में कुछ दिन तक रुक पाया। बड़ी मुश्किल से हुमायूं 1544 में कंधार में कुछ दिन तक रुक पाया। उसे अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर फारस जाना पड़ा। फारस जानते हैं ना, ईरान को कहते हैं, फारस जाना पड़ा। शाह तहमाश्प ने, फुल स्टॉप करके, शाह तहमाश्प ने, शाह तहमाश्प ने हुमायूं का स्वागत किया। शाह तहमाश्प ने हुमायूं का स्वागत किया और उसे शिया मतावलंबी बना लिया, और उसे शिवा शिया मतावलंबी बना लिया। शिया मतावलंबी बना लिया तथा इस शर्त पर वह अपनी सेना हुमायूं को दिया, तथा इस शर्त पर वह अपनी सेना हुमायूं को दिया। इस शर्त पर अपनी सेना हुमायूं को दिया कि कंधार कामरान से जीतकर वह ईरान को दे देगा। कामरान से जीतकर वह ईरान को दे देगा। फुल स्टॉप। 1545 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में हुमायूं ईरान की सेना 1545 ईस्वी में हुमायूं ईरान की सेना की मदद से कंधार पर आक्रमण किया। कंधार पर आक्रमण किया ईरान की सेना की मदद से कंधार पर आक्रमण किया और अस्करी तथा कामरान को हराकर, अस्करी तथा कामरान को हराकर काबुल व कंधार को जीत लिया। काबुल व कंधार को जीत लिया तत्पश्चात उसने कंधार ईरान को दे दिया। काबुल तथा कंधार को जीत लिया तत्पश्चात उसने कंधार ईरान को दे दिया। तत्पश्चात उसने कंधार ईरान को दे दिया। लेकिन ईरान के शाह के पुत्र के मृत्यु के पश्चात,
ईरान के शाह के पुत्र के मृत्यु के पश्चात, ईरान के शाह के पुत्र की मृत्यु के पश्चात पुनः कंधार पर अधिकार कर लिया, पुनः कंधार पर अधिकार कर लिया, पुनः कंधार पर अधिकार कर लिया। क्लियर हो गया ना? और यही शाह, यही शाह बोले तो वही ईरान का शाह हुमायूं के समय में कौन था? शाह तहमाश्प, इस्माइल शाह था बाबर के समय में। इस समय शाह तहमाश्प था, इसके पुत्र का देहांत हो गया क्योंकि इसके पुत्र के अंडर में ही कंधार था, तो फिर से कंधार हुमायूं के पास आ गया। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कंधार काबुल दो दफा हुमायूं ने जीता, दो दफा जीतने के बाद इस पर नियंत्रण किया। और कामरान अस्करी को कैद कर लिया, फुल स्टॉप करके लिखें, हुमायूं ने अपने भाई कामरान तथा अस्करी को कैद कर लिया। कामरान तथा अस्करी को कैद कर लिया, बाद में कामरान को अंधा बना दिया, बाद में कामरान को अंधा बना दिया, बाद में कामरान को अंधा कर दिया, कामरान तथा अस्करी को कैद कर लिया, कामरान तथा अस्करी को कैद कर लिया, और बाद में कामरान को अंधा बना दिया तथा उसे हज भेज दिया, उसे हज, हज कहां? मक्का, हज ब्रैकेट में लिख लो मक्का, भेजा या भेज दिया रास्ते में, मक्का भेज दिया रास्ते में 1557 में, 1557 में, रास्ते में 1557 में कामरान का देहांत हो गया, कामरान का देहांत हो गया। फुल स्टॉप। अस्करी को भी, अस्करी को भी मक्का भेजा, वह भी 1558 में मर गया। वह भी 1558 में मर गया। फुल स्टॉप। 1551 ईस्वी में हिंदाल, 1551 ईस्वी में हिंदाल हुमायूं के लिए युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। हुमायूं के लिए युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से, हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से, रुकैया बेगम से, हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से अकबर की शादी करवा दी। रुकैया बेगम से अकबर की शादी करवा दी। इस प्रकार 1554 ईस्वी तक, इस प्रकार 1554 ईस्वी तक
हुमायूं अपने भाइयों से छुटकारा पा गया था। इस प्रकार 1554 ईस्वी तक हुमायूं अपने भाइयों से छुटकारा पा गया था या पा चुका था। तत्पश्चात वह भारत जीतने के लिए तत्पश्चात वह भारत को जीतने के लिए ईरान की सेना लेकर पेशावर के रास्ते पंजाब में प्रवेश किया। ईरान की सेना लेकर पेशावर के रास्ते पंजाब में प्रवेश किया। पेशावर के रास्ते पंजाब में प्रवेश किया। अब आप हेडिंग डालिए, हुमायूं की भारत की पुनः विजय, हुमायूं द्वारा भारत की पुनः विजय, हुमायूं द्वारा भारत की पुनर्विजय या पुनः विजय, भारत की पुनर्विजय हुमायूं द्वारा भारत की पुनर्विजय लिखें। हुमायूं द्वारा भारत की पुनर्विजय ये हेडिंग डालिए। लिखें, शेरशाह के देहांत के पश्चात, शेरशाह के देहांत के पश्चात सूरी वंश का शासक इस्लाम शाह बना। सूरी वंश का शासक इस्लाम शाह बना। सूरी वंश का शासक इस्लाम शाह बना। उसके मृत्यु के पश्चात, उसके मृत्यु के पश्चात मुबारिज खान ने, मुबारिज खान ने अपने भांजे फिरोज शाह की हत्या कर दी। फिरोज खान लिखिएगा, फिरोज खान की हत्या कर दी। अपने भांजे फिरोज खान की हत्या कर दी। फिरोज खान की हत्या कर दी और आदिल शाह के नाम से, और आदिल शाह के नाम पर, और आदिल शाह के नाम पर दिल्ली का शासक बना। आदिल शाह के नाम पर दिल्ली का शासक बना। बात समझ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं आई ना, फिर बता देते हैं इसको। देखिए, आपने देखा शेरशाह 5 साल शासन किया, 1545 में मर गया, बताएंगे उसको उसके टॉपिक पे। शेरशाह का बेटा था इस्लाम शाह, यह 1545 से लेकर 1553 तक शासन किया, ये भी आगे बताएंगे। इसका बेटा था फिरोज खान, शेरशाह का बेटा इस्लाम शाह, इस्लाम शाह का बेटा फिरोज खान, फिरोज खान का मामा मुबारिज खान, इसने अपने भांजे की हत्या कर दिया और स्वयं आदिल शाह के नाम पर गद्दी पर बैठ गया। इस्लाम शाह का साला अपने भांजे की हत्या कर आदिल शाह के नाम पर गद्दी पर बैठ गया। क्लियर? अब हुआ क्या, टाइटल होती है, जैसे शेर खान फरीद खान था तो शेर शाह क्यों नाम लिया? नाम का मीनिंग होता है आदिल शाह। आदिल खान भी था राखी सावंत का एक, तो इसका मीनिंग है, क्या मीनिंग होता है?
तब बताइए, अदल, अदल से बना है, बिल्कुल सही है, आदिल खान, न्यायी शासक, तो टाइटल इसीलिए लेते थे। अब मुबारिज खान मतलब छोटे मोटे नाम हो गए, नाम में एक भारीपन भी होना चाहिए, बादशाह अकबर, बादशाह शाहजहां, तो नाम के मीनिंग में उसके कुछ मीनिंग भी होते हैं ना सबका। तो यहां तक क्लियर हो गया, फिरोज खान की हत्या कर ये मुबारिज खान आदिल शाह के नाम पे गद्दी बैठा। अच्छा, इस समय जानते हैं लाहौर में, लाहौर जब ये चल रहा था दिल्ली में उथल पुथल, तो लाहौर में सिकंदर शाह था, सिकंदर शाह सूर, बयाना जानते हैं, ये अलवर के पास है राजस्थान में, यहां पर इब्राहिम शाह था, इब्राहिम शाह। हुआ क्या कि मुबारिज खान के बाद मुबारिज खान को हटाकर ये दिल्ली पर अधिकार कर लिया इब्राहिम शाह बयाना का, अब इसको हटा करके सिकंदर शाह ने कब्जा कर लिया। इसीलिए अंतिम सुल्तान अगर आप देखें इस सूरी वंश का, तो शेर शाह पहला था, इस्लाम शाह दूसरा था, आदिल शाह तीसरा था, इब्राहिम शाह चौथा था, सिकंदर शाह पांचवा, अंतिम ये था। कुल मिला के जब हुमायूं 1554 में भारत लौट रहा था, उस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर शाह था, दिल्ली आगरा पर नियंत्रण कर लिया था, इब्राहिम शाह को हटा दिया था, और ये आदिल शाह ये जो था बिहार साइड में चला गया था। तो सिकंदर शाह ने हुमायूं को रोकने के लिए एक सेना भेजी तातर खान हैबत खान के नेतृत्व में, तातर खान हैबत खान दो सेनापति थे, उनके नेतृत्व में सिकंदर शाह ने हुमायूं से लड़ने के लिए एक सेना भेजी और एक लड़ाई लड़ी गई 15 मई 1555 को, मच्छीवाड़ा की लड़ाई। मच्छीवाड़ा की लड़ाई में तातर खान हैबत खान सिकंदर शाह की तरफ से लड़ते हुए हार गए, और दिन हारने के बाद ये महाशय पहुंचे अपनी सेना लेकर। तब तक हुमायूं और आगे बढ़ाया था, सरहिंद का गया था, सरहिंद भी पंजाब में, भारत के पंजाब में, और मच्छीवाड़ा पाकिस्तान पंजाब में था। अब सिकंदर शाह सेना लेके पहुंचा तो 22 मई 1555 को, सॉरी 22 जून 1555 को, 15 मई को लड़ा पहले, अब 22 जून 1555 को सिकंदर शाह हुमायूं के बीच में सरहिंद की लड़ाई लड़ी गई। सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने सिकंदर शाह को हराया, सेना हार गई, सिकंदर शाह डर के मारा नमक की पहाड़ियों में शरण ले लिया, पहाड़ों के ऊपर चला गया, जंगलों में प्रवेश कर गया, तो वहां से ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए हुमायूं ने सोचा इसको यहीं छोड़ देते हैं, दिल्ली की तरफ रवाना हुआ, दिल्ली आगरा पर 1555 में अधिकार कर लिया, मुगल वंश की पुनः दिल्ली पर स्थापना किया। और जब ये दिल्ली चला आया हुमायूं सेना वना लेकर, तो ये इस नमक की पहाड़ियों से उतर गया और पंजाब में आम जनता का नरसंहार करने लगा। हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर और सेनापति बैरम खान को सिकंदर शाह के आतंक को दबाने के लिए पंजाब भेजा, ये दोनों पंजाब आए सिकंदर शाह का आतंक दबाने के लिए। उसी बीच हुमायूं शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों पर पैर डगमगाया, लुढ़क गया, लुढ़कता हुआ नीचे चलाया, देहांत हो गया। तो ये दो लड़ाई हुमायूं ने लड़ा पंजाब में, और तत्पश्चात वह दिल्ली आगरा पर पुनः कब्जा कर पाया। तो ये लिखा दें तभी समझ पाएंगे, अन्यथा डायरेक्ट लड़ाई लिखा दें। चलिए फिर लिखिए क्या लिखा है, मुबारिज खान आदिल शाह के नाम से शासक बनाया, दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया, जो भी लिखा ठीक है, फुल स्टॉप करके आगे लिखिए। सिकंदर शाह ब्रैकेट में लिखें लाहौर में, सिकंदर शाह ब्रैकेट में लाहौर में, इब्राहिम शाह ब्रैकेट में बयाना में, बयाना में, बयाना में उस समय अफगान
शासक थे। हाँ अफगान शासक थे, वे भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे, वे भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। इब्राहिम शाह करके, इब्राहिम शाह ने आदिल शाह को हटाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इब्राहिम शाह ने आदिल शाह को हटाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा सिकंदर शाह ने इब्राहिम शाह को हटाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तथा सिकंदर शाह ने इब्राहिम शाह को हटाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लिख लिया। जिस समय हुमायूं भारत में पुनः प्रवेश किया, उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर शाह था। उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर शाह था। उसने हुमायूं को रोकने के लिए उसने हुमायूं को रोकने के लिए उसने हुमायूं को रोकने के लिए तातर खान एवं हैबत खान के नेतृत्व में तातर खान एवं हैबत खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी। अब आप हेडिंग डालिए, मच्छीवाड़ा की लड़ाई। मच्छीवाड़ा की लड़ाई 15 मई 1555 को। मच्छीवाड़ा की लड़ाई 15 मई 1555 को। कल लिखाएंगे इसको यहां से।